Garuda Express, an international courier service. सर ये फोर्थ ईयर है आपका कांस में और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप रिव्यू कर रहे थे ट्रिप का और ये आपके साथ है. Well, it just feels wonderful. कान से बार बार इन्वाइट आता है, ये मेरा चौथा साल जरूर है. एंड आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज कि कान्स में बॉलीवुड के बारे में हमारे सॉन्ग और डांस के बारे में बातें होती हैं. आई थिंक दैट्स व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट बीइंग एट कान्स. एंड सेकंडली आई वुड लाइक टू थैंक पूजा एंड मो मिश्रा फॉर ऑलवेज बीइंग देयर. और कपड़े मैं डिजाइन करने के लिए बहुत ओकेजन्स हैं जहाँ पे मैंने इनके कपड़े पहने हैं. जस्ट फील्स लवली टू बी इन देम. टुडे आल्सो आई एम वेयरिंग वन ऑफ देयर क्रिएशंस. सो आई थिंक थैंक यू सो मच पूजा फॉर जस्ट डिजाइनिंग. ये एक्चुअली ये हमारा भी फोर्थ ईयर है उनको ड्रेस किया है कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए. और हर साल हमने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है. और हमने जो डिसाइड किया ये बार कि ही कैरीज ऑफ द क्लासिक इंडियन फॉर्मल लुक द बेस्ट विच इज़ आर शेरवानी. सो दिस टाइम फॉर द टॉक वी हैव गिवन हिम अ ब्लू पोल्का डॉटेड बनगला विद अ वाइट ट्राउजर. तो कूल समर पैलेट रखा है उसके लिए. और दूसरे दो लुक जो हमने डिज़ाइन किए दोनों शेरवानी है. एक वाइट शेरवानी है, प्योर वाइट शेरवानी विच इज़ ऑन ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स. एंड सेकेंड इज़ अ ब्लू एंड ब्लैक ब्रोकेड शेरवानी विच इज़ अगेन द इंडियन क्लासिकल फॉर्म. सॉरी इट्स ऑल्सो एन इंडियन क्लासिकल आउटफिट. सो दैट्स वॉट वी हैव गिवन हिम दिस टाइम. स्टक टू द क्लासिक पैलेट एंड द क्लासिक लुक्स. वेल नॉट येट सर. एक्चुअली टॉक के बारे में जो डिस्कशन होने वाली है वहाँ पर जो भी मैं बताने वाला हूँ उसके बारे में थोड़ा होमवर्क कर भी चल रहा है मेरे दिमाग में. बट आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं बताना चाहूँगा वहाँ पर, माई टॉपिक दिस टाइम इज डांस इन इंडियन सिनेमा टूडे. और आजकल हमारे सिनेमा में डांस जो है वो बहुत ग्लोबल हो चुका है. इट्स नॉट जस्ट आर ट्रेडिशनल डांसेज जो पहले होते थे. वी हैव एवरी थिंग. वी हैव इंटरनेशनल डांसेज, वी हैव आर ट्रेडिशनल डांसेज, एवरी थिंग. एंड देर आर सम सिनेमा विच हैज़ नो डांसेज. So, it's a quite a big mix of things. So, उसको explain करने के लिए कहीं ना कहीं हमें हमारा traditions जो है film का वो dig out करना पड़ेगा कि how we were before and how we are today. So, उसके लिए थोड़ा homework जो है वो बहुत important है. And अभी वो मेरा चल रहा है. So, I will not say I'm fully ready, but I'm sure I will be. Dance में बहुत से forms हैं. Which one is your favorite? Well, my favorite is ballroom dancing because I'm trained in ballroom. But I think somewhere it's changed a little bit because इंडिया में आने के बाद, मुंबई में डांस का क्लासेस शुरू करने के बाद में आई डिसाइडेड टू मिक्स बॉलीवुड विद बॉलरूम. सो आई वुड से नाउ इट्स अ मिक्सचर बिटवीन ऑल ऑफ दैट. संदीप इज अ बिग नेम एज एवरीवन नोस. हु इज योर इंस्पिरेशन फॉर द डांस? फॉर मी इंस्पिरेशन इज नोबडी, नो पर्टिकुलर पर्सन एट ऑल. बिकॉज़ आई बिलीव डांस जो होता है वो इंडिविजुअल होता है. और अगर आप किसी को इंस्पिरेशन बना के चलते हैं तो समवेयर यू टेंड टू कॉपी देम. एंड आई वुड नॉट वॉन्ट टू डू दैट. बट येस, माई डांसेज आर इंस्पायर्ड बाय माइथोलॉजी बिकॉज आई बिलीव इन दैट. And fortunately, I'm a PhD in world mythology, so that kind of gets me more into it. But as a person is concerned, there is no inspiration. Wish all the best, and thank you, Pooja. Thank you. हमारे ट्रेडिशनल डांसेस थे और हमारे आज के हिप हॉप जो जितना भी है. आई थिंक वी आर वेरी गुड डांसर्स एंड वी मेक ग्रेट सिनेमा. स्पेशली हमारा जो सॉन्ग एंड डांस रूटीन्स होते हैं हमारे बॉलीवुड में धमाल होते हैं. हर स्टेप जो होता है वो आइकॉनिक बन जाता है. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई नीड टू एक्सप्लेन टू द इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स एंड द प्रेस. एंड आई होप आई कैन डू दैट. पूजा जी, कपड़े बनाते आपने मतलब तैयार किया है जो इस तरह के, मतलब क्या सोचकर आपने कि इस तरह के होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए, जहां तक डांस की बात है? करेक्ट, क्योंकि एक आर्टिस्ट का और डांसर का बिल्कुल फर्क है. करेक्ट. सो डेफिनेटली वो तो हमने ध्यान में रखा है कि उनके लिए कम्फर्ट इज़ एट इट्स बेस्ट. पर ये भी ध्यान में रखा है कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे है ये बारी और इंटरनेशनली अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और बेस्ट वे टू डू दैट इज़ विथ आर इंडियन आउटफिट्स. जो हमारे इंडियन आउटफिट्स हैं उनको हमने वेस्टर्नाइज लुक दिया है by using fabrics like wool, brocades as well, in geometric patterns, abstract patterns use karke. तो वो ध्यान में रख के हमने ये बारी उनके लिए ये आउटफिट्स डिज़ाइन किए हैं जो कम्फर्ट भी है, कम्फर्टेबल भी है और इंटरनेशनल भी परफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं अपने कंट्री को. इससे पहले किस किस के आपने हमने काफ़ी फिल्म स्टार्स एज वेल के भी डिज़ाइन किए हैं सेलिब्रिटीज़ के लिए. सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ,
काफ़ी नेम्स कैन गो ऑन एक्चुअली, पर सेलिब्रिटीज़ के लिए तो हमारा रेगुलरली डिज़ाइनिंग होता ही है, बट ऑल्सो द रेगुलर पर्सन हु बाइज फ्रॉम अस इज़ ऑल्सो सेलिब्रिटी टू अस, सो एवरी सिंगल कस्टमर फॉर अस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हम ईच पर्सन के लिए उनके पर्सनैलिटी के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, तो ईच पर्सन इज़ अ चैलेंज टू अस. कॉम्पिटिशन तो हर फील्ड में होता ही है और वो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, पर आर ब्रांड इज़ अ 30-year ब्रांड, दिस ईयर वी कम्प्लीट 30 years, सो डेफिनेटली हेरिटेज वैल्यू है हमारे ब्रांड में, और वो ही हमारे आउटफिट्स में भी दिखाई आता है और लोगों को समझ में आता है, जो हमारा फिनिश है, कट है, जो फैब्रिक्स हम यूज़ करते हैं बेस्ट क्वालिटी का रहता है, तो डेफिनेटली वी डोंट वरी अबाउट द कॉम्पिटिशन एट ऑल. मेरा पहला एसोसिएशन मोमी के साथ हुआ 25 साल पहले, तो मेरे कपड़े जो बने जा रहे हैं 25 साल से बनते आ रहे हैं, तब पूजा बहुत छोटी थी एंड तब से लेकर के आज तक 25 सालों में मेरे सारे कपड़े जो हैं मोमी चिप से आते हैं, एंड आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल फीलिंग. आप कहीं नहीं देखो, एक ही जगह पर आपको जाना है, सो आई थिंक 25 साल एसोसिएशन मीन्स हाउ मच आई ट्रस्ट देम, उनका जजमेंट मेरे लिए क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता, अभी उम्र हो गई तो क्या पहनना चाहिए, पहले क्या पहनना चाहिए, क्या कलर पहनना चाहिए, क्या कलर नहीं पहनना चाहिए, आई थिंक दैट इज ऑल जजमेंट ऑफ दीपक शाह सर एंड पूजा. सो 25 years, long time. We have a what we do is very different also from other what you will get at other designers is we get a complete head to toe look. जो wardrobes बनाते हैं लोगों के लिए, we don't just design one look. उनके life में we are a part of their lifestyle. जो हमसे design खरीदते हैं, जो लेते हैं हमारे से, they take a complete wardrobe set from us. जो daily wear होता है, जो occasion wear होता है, जो भी corporate wear होता है, और shoes से लेके outfit से सब पूरा हम design करते हैं, उनके पूरी लुक डिजाइन करते हैं उनके लिए, तो ये हमारा स्ट्रेंथ है, तो दैट इज व्हाट पीपल अप्रिशिएट एट मोमिस शेफ. और कुछ कहना चाहेंगे? वेल, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा फिर से कांस फिल्म फेस्टिवल फॉर कॉलिंग मी एवरी टाइम, एंड डांस को बढ़ावा देने के लिए, आई थिंक दैट्स मोस्ट इंपोर्टेंट, बिकॉज इंडियन सिनेमा जो है हमारा वो डांस और नाच गाने के बिना अधूरा है, और उसके बारे में बात करना, उसको आगे बढ़ाना, आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज, एंड आई फील ऑनर्ड कि मुझे बुलाया गया, एंड थैंक यू पूजा फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी. ऑफ कोर्स, वी ऑलवेज विल. Thank you. एक बैठे रहना सर, मिल लें. कैमरे को दिखाते हैं एक बार फिर. या संदीप जी कैमरा लो एक बार. या सर बैंगे एक बैंगे एक जाना पड़ेगा तो चेंज करेंगे. नहीं नहीं चलेगा सर, 2 मिनट होगा चेंज होने तो चलेगा सर. अन्य अन्य मैम मैम चलो एक सेकंड सर खाली होने आप भी आइए सर सर तीसरा भाई. ओके क्या यहाँ पे सर सर चेंज कर गया पेन क्या एक सेकंड सर सॉरी या यस एंटर मैम यो सो या बोथ ऑफ यू यो या बोथ ऑफ यू लुक यो सो सो यो मैम आ जाइए या बोथ ऑफ यू यो लुक मैम वेट वेट सर मैं आ जाइए राइट हैंड सर थोड़ा राइट हैंड सर थोड़ा लेफ्ट राइट.